हर्मिट के कार्ट में रात का दृश्य दिखाई देता है जो कि अंधकार से भरा हुआ है। इसमें एक बूढ़ा मनुष्य बर्फ पर आपको चलता दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में इसने बॉन्ड पकड़ी हुई है। यह लालटेन एक नुकीली उंगली के जैसी नजर आ रही है। इन्होंने एक सफेद रंग का चोंगा पहन के रखा है जो कि इनकी सादगी और पवित्रता को दिखा रहा है। हाथ में पकड़ी हुई लालटेन इनकी जागरूकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने को बताती है। पर्वत विकास और सफलता को प्रदर्शित करता है। काले रंग का ये पूरा दृश्य डिटैचमेंट को दिखाता है। यह सौरों का कार्ड है। यह सिक्स पॉइंटेड स्टार बुद्धिमता को प्रदर्शित करता है। यह सेल्फ एलाइनमेंट करके सतमार्ग पर चलने की यात्रा को बताता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, लालटेन इसको मार्ग दिखा रही है। लालटेन अर्थात ज्ञान को प्रदर्शित करती है, अर्थात उस ज्ञान के माध्यम से ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी सफेद दाढ़ी इनकी आध्यात्मिकता की परिपक्वता को दिखाती है और यह परिपक्वता इन्हें अनुभव से प्राप्त हुई है। हर्मिट का कार्ड आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है जो उसने अपने अंदर निरंतर खोज करके निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया है। इस कार्ड में आप अपनी एनर्जी, ज्ञान, आध्यात्मिकता, ध्यान को उन्नत करके अपने छुपे हुए ज्ञान से स्वयं का उत्थान कर सकते हैं। यह व्यक्ति गंभीरता के साथ अपने अंदर की खोज करता है, एकांत में अपने आप में निरीक्षण करता है, एकांत में अपने भीतर समाहित ध्यान लगाकर ज्ञान की खोज करता है। यह भी हो सकता है कि यह कार्ड विड्रॉल की कंडीशन को दिखा रहा हो। इस व्यक्ति ने इस समय सब कुछ छोड़ दिया है, जैसी कंडीशंस हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी इसकी जिंदगी में हुआ है, इसने सबको स्वीकार कर लिया है। यह कार्ड रिसर्च का भी कार्ड है। यह रिसर्च दूसरों को सुविधा दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए है, स्वयं चाहे कितनी तकलीफों का सामना क्यों ना पड़े। लालटेन यानी यह अपने ज्ञान से दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। अपने सुविधा क्षेत्र को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए उनको मार्गदर्शन दे रहा है। यह दूसरों के लिए मार्ग बना रहा है ताकि दूसरे उस ज्ञान के पथ पर सुगमता से चल सके। यह व्यक्ति एक अध्यापक भी हो सकता है। जिस प्रकार एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को रास्ता दिखाता है, सही मार्गदर्शन देता है, जिस भी व्यक्ति के संबंध में यह कार्ड आता है तो हो सकता है कि वह स्वयं अध्यापक हो और दूसरों को ज्ञान देता हो। यह भी हो सकता है कि इसे अपने कार्य क्षेत्र में कोई असुविधा हो रही हो। यह स्वयं शांत मुद्रा में चला गया है, लेकिन यह काम छोड़ना नहीं चाहता है। उस स्थिति में भी यह दूसरों को रास्ता दिखाने में व्यस्त है। अगर किसी व्यक्ति की पास्ट की रीडिंग में यह काम आता है तो यह बताता है कि आपके कार्यों की गति बहुत ही धीमी रही है। आपको अपने अंतर्ज्ञान से निरंतर खोज करते हुए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए दिव्य ज्ञान से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसे आप नजरअंदाज ना करें। अगर वर्तमान में कोई आपसे यह कार्ड पूछता है कि प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है, तो व्यक्ति स्वयं परेशानी की अवस्था में संलग्न है और उस परेशानी से मुक्ति पाना चाहता है। उसे सहायता की आवश्यकता है, लेकिन यह सहायता उसे किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलेगी। यह सहायता उसे स्वयं भीतर के ज्ञान से मिलेगी, जिसे उसको उजागर करने की आवश्यकता है। और वो तभी उजागर होगा जब वो ध्यान मग्न होकर उससे संबंधित विचार में व्यस्त हो जाएगा। निश्चय एकाग्रता में उसे समस्त ज्ञान का अनुभव होगा और उसे रास्ता भी मिल जाएगा। फ्यूचर से संबंधित अगर कोई सवाल पूछता है तो उस व्यक्ति को अपने अंदर सही गलत के बारे में जानकर अच्छी तरीके से किस अवस्था में क्या निर्णय लेना है, यह सोच समझ कर भीतर झांक कर अपने अंतर्ज्ञान को जगाकर
चुनौतियों को भली भांति समझ कर उनका सामना करने की आवश्यकता है और वो उस कार्य को भली भांति करेगा क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान समाहित है, उजागर करने की आवश्यकता है बस। यदि कोई व्यक्ति यस और नो के संदर्भ में यह पूछता है और यह कार्ड आता है तो यह या तो ना का कार्ड है या मेबी का कार्ड है। मेबी की अवस्था में आप एक कार्ड और क्लैरिफिकेशन के लिए निकाल सकते हैं।